17 तारीख को चुनाव के रात्रि के दौरान राजनगर विधानसभा में जो घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के वहां के विधायक और प्रत्याशी नाती राजा और उसके गुंडों ने प्राणघातक हमला किया, और प्राणघातक हमला करने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने पटकथा लिखी कि उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई, स्वयं उनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये कहा कि मैंने नाती राय से बात की, कोई घटना नहीं, सामान्य तौर पर बहस थी, और उसके बाद इस कहानी को गढ़ करके उनके ड्राइवर जिनका करैक्टर आपराधिक प्रवृत्ति का है, एक उनका सलमान खान जो किसी गाड़ी से दबकर जिनकी मृत्यु हुई है, उनका एक वीडियो ओपन देसी कट्टा से गोली चलाते हुए जारी हुआ है, और कोई ड्राइवर अपने मालिक को बचाने के लिए गाड़ी लेकर के भागेगा कि दूसरों पर अटैक करेगा, वो ड्राइवर था कि शूटर था, और किस गाड़ी से दबे, क्या हुआ, ये पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने जो 22 कार्रवाई की है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सहित 20 कार्यकर्ता और 15 अन्य कार्यकर्ता यानी 35 लोग, 302 की FIR, भारत का पहला केस होगा कोई व्यक्ति किसी गाड़ी की चपेट में आकर के एक्सीडेंटल उसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो प्रशासन कितना बाइज्ड है कि 302 की FIR 20 लोगों के खिलाफ करता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन, अभी पूरा प्रशासन जब तक आचार संहिता है इलेक्शन कमीशन के अंडर में है, तो एक और एक पक्षी कार्रवाई करते हुए केवल नाती राजा और उनके गुंडों के कहने पर 302 की FIR भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई, हमारे प्रत्याशी के खिलाफ हुई, और उन्होंने जो प्राणघातक हमले किए, गोलियां चलाई, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को तोड़ दी, एक भी कार्यकर्ता लगातार कंप्लेंट करने के लिए पहुंचे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही, नाती राजा और उनके अपराधी गुंडे और स्वयं नाती राजा इसी प्रवृत्ति के हैं, कोई कार्रवाई नहीं है, दुर्भाग्यजनक। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, किसके दबाव में कार्रवाई की है और कैसे प्रशासन ने तय कर दिया 302 है, और दुर्भाग्यजनक पहलू है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद एक न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते थे, हार की खींच के कारण चुनाव हार रहे कमलनाथ दिग्विजय सिंह, तो दिग्विजय सिंह ने जाकर के खजुराहो के अंदर राजनगर में थाने में बिना किसी की अनुमति के आचार संहिता लगे हुए कैसे धरना दिया, टेंट लगाया आपने, किससे अनुमति ली, और उसके बाद आप लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, मारो लोगों को, मध्य प्रदेश का वातावरण खराब करने का प्रयास ये दिग्विजय सिंह ने वहां पहुंच करके जो किया है, और दुर्भाग्यजनक है, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह ने बिना अनुमति के टेंट कैसे लगाया, कैसे दिग्विजय सिंह ने लोगों को प्रवोक किया, कैसे दिग्विजय सिंह वहां धरने पर रात में बैठे, अगर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बिना किसी के अनुमति लिए आचार संहिता के दौरान इस प्रकार का आपराधिक कृत्य किया है। तो इसलिए आज हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है, DGP से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिल रहा है, इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो, और सलमान खान की जो मृत्यु है, मुझे संवेदना है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे अपराधी हो या कोई भी हो, अगर किसी की मृत्यु हुई है, मैं उनकी मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करता हूं, मेरे संसदीय क्षेत्र है, लेकिन मैं तो उन मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, और मैं मीडिया के सामने गंभीर आरोप लगा रहा हूं, सलमान खान को स्वयं नाती राजा ने और उनके लोगों ने अपनी गाड़ी से दबा करके हत्या की है।